हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हार्डकोर अपराधी कैलाश मांजू चढ़ा पुलिस के हत्थे। ग्रामीण और पुलिस कमिश्नरेट को थी लंबे समय से तलाश। पिता के दाह संस्कार में आया था, पुलिस ने घेरा बंदी कर दबोचा। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस और कमिश्नरेट के वांछित अपराधी कैलाश मांजू को शनिवार देर शाम पुलिस ने दबोच लिया। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया था। पुलिस को सूचना मिलने पर उसे भाटेलाई गांव से दस्तयाब किया गया। वह कई मुकदमों में वांछित चल रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले का हार्डकोर अपराधी भाटेलाई निवासी एवं पूर्व सरपंच कैलाश मांजू को शनिवार देर शाम उसके पैतृक गांव से ही दस्तयाब किया गया। मुखबिरी सूचना पर बालेसर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह को मैच जाप्ते भेजा गया, तब वहां कैलाश मांजू को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि वह कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था। उसके पिता रामचंद्र की मृत्यु होने की जानकारी पर वह बालेसर अपने पैतृक गाँव पहुँचा था। वह अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शरीक होने आया था, तब पुलिस ने पकड़ लिया। कैलाश मांजू भाटेलाई गांव का सर्व सरपंच है। उसकी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को भी तलाश थी। वह चौपासिनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने का भी वांछित है। इसके अलावा बोरानाड़ा और जिलापुर में भी एक दो थाने में वांछित चल रहा है। वह चौपासिनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस को पिछले 3-4 सालों से छकाते हुए भागता घूम रहा था। पुलिस ने उसके चौहाबो स्थित एक मकान पर कई बार रेड दी, लेकिन वह हर बार भाग निकला। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।